अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बल्कि गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, फ्राम बर दुबई, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैं यहाँ किसी काम से आया हुआ था बर दुबई में, और यहाँ बैठा हूँ एक जगह पे, और आपको किसी से मिलवाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है। मेरे साथ जनाब बैठा हुआ है विजय यादव। विजय यादव मेरा इंडियन दोस्त है, और हमारी मुलाकात हुई थी सऊदी अरबिया में 2014 में, और 2014 के बाद आज 2022 है, तो 2022 में 8 साल के बाद हम मिले यहाँ पे बर दुबई में। तो देखें, अगर ज़िंदगी इंसान की हो तो कहीं ना कहीं इंसान मिल ही जाता है। विजय इंडिया से है, यूपी से, मैं पाकिस्तान से हूँ, पंजाब से, और 8 साल के बाद हम दुबई में वापस मिल ही गए हैं। और गाड़ी की खप पीछे से ख़त्म हो गई, वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, उसने बड़ी खप डाली हुई थी। बड़ी देर से हम वेट कर रहे थे कि गाड़ी चली जाए, हम शुरू करें, और जैसे हमने शुरू किया है तो वो गाड़ी भी चली गई। तो जनाब हम विजय के साथ यहाँ बैठ के पी रहे हैं डाइट कोक, तो जनाब मुझे तो बड़ी खुशी हुई है विजय से मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई केसर भाई से, हमारी मुलाकात तकरीबन 8 साल के बाद हो रही है, और इतना अच्छा लगा, और हम दोनों भाई बिल्कुल बहुत दिनों बाद मिले हैं, जब से हमारी मुलाकात तकरीबन 8 साल बाद हो ही रही है। हम दोनों लोग सऊदी अरेबिया मिले थे, वो भी बुरैदा में, और फिर वहाँ से हमारी दोस्ती आगे भी बढ़ती रही, और इंशाल्लाह आगे बढ़ती भी जा रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपने बहुत अच्छा लगता है जब आप मुलाकात हुई, तो बातचीत भी हमारी होती रहती थी फेसबुक वगैरह पे। जी बिल्कुल, हम इतने साल बाद दुबई में मिले तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात करना भी। और मैं यूपी से हूँ इंडिया, और ये मेरे दोस्त हैं, ये पाकिस्तान से हैं, और बहुत हमारी इनकी दोस्ती बहुत दिनों से काफ़ी अच्छी भी चल रही है, और आगे भी ऐसी चलती रहेगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी इंशाल्लाह चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया विजय नवाजिश। और आपने छोटी सी इस गुफ्तगु में आपने नोट किया होगा कि विजय की उर्दू मेरे से ज़्यादा अच्छी है, विजय का तलफ़ुज़ उर्दू का मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा है। मैं उर्दू बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, पंजाबी बोलूँ, मेरा लहजा एक ही है, वही देसी पेंडुओं वाला लहजा मेरा बिल्कुल। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त बर दुबई में मौजूद हूँ। ये बर दुबई की ये देखिए तंग गलियाँ हैं, वो भी कितनी साफ़ सुथरी और अच्छे तरीके से मेनटेन हुई है। यहाँ पर लगा हुआ इस तरफ का मंजर देखिए आप, माशाल्लाह साफ़ सुथरा एरिया है। कबूतर भी सामने वहाँ बैठे हुए हैं, दाना चुग रहे हैं वहाँ पे। आगे नहीं है ये, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ना। अच्छा, चले आज रोड क्रॉस करते हैं। विजय ने तो मास्क लगा रही है, विजय कह रहा है कि दुबई में मास्क की बड़ी पाबंदी है। यहाँ पे मास्क मेरे पास भी है, लेकिन मैं मेट्रो के अंदर या किसी ऐसी जगहों पर। यार कबूतर कितने अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए, कबूतरों का मुझे शौक नहीं है, लेकिन कहीं बैठे हुए इस तरह किसी चौक में किसी जगह ऐसी खूबसूरत जगह पे तो अच्छे लगते हैं। अभी विजय मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए जा रहा है, मेट्रो के स्टेशन के। जी जी सर, हो गया अभी, पहले अल-फैदी मेट्रो स्टेशन था, सही हो गया, बस यहाँ से चले 150 मीटर दूरी पे। गर्मी भी कुछ कम हो गई है, हवा चल रही है, मौसम कुछ बेहतर हो गया, अभी तो बड़ा सुकून मिला, नहीं तो गर्मी का 43-42 टेम्परेचर आज का होगा मेरे ख्याल से। वो चलें, जो टेम्परेचर जो है, जो हब्स होती है ना, जो ह्यूमिडिटी, वो बहुत ज़्यादा वो बहुत मसला करती है। उमस, ये डे टू डे वाली बिल्डिंग यही है, ये वाली है। हाँ, सेंटर ये सामने है, इस तरफ जाना है, इस तरफ चले, इस तरफ ही चलो, वो सही नहीं है, वो सही है, वहाँ चलो। ठीक है, एमसी सेंटर का जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे था, तो मास्क मेरे पास था लेकिन मैं भूल गया, तो पुलिस वाला जो था वो बड़े आराम से मेरे पास आया, बड़े एहतराम से मुझे उसने सलाम किया, सलाम करके बोलता है कि भाई मास्क प्लीज, ठीक है, तो मैंने पहन लिया, मुझे याद आ गया। तो इस तरह क्या है, वो ऐसी भी कोई बात नहीं है, पहनना चाहिए, लेकिन अगर आप भूल भी जाते हैं तो वो बताते हैं आपको। ज़बरदस्त खूबसूरत जगह। अच्छा, ये है जी शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन है, पहले इसका नाम था फहीदी है, ऐसा ही है ठीक है। अब भरा इस तरफ है या दूसरी तरफ है? अच्छा, इस सीधा जाएंगे, इसका मतलब डेरा भी इस तरफ है फिर? डेरा उसी तरफ है, सही हो गया जी। ये जी सामने इस सिग्नल के नीचे यहाँ पे फहीदी मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम चेंज होकर शरफ डीजी रखा गया है, और ये सारा उसके बाहर आने के लिए वहाँ से सारे रास्ते बने हुए हैं। विजय जो है वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आया, ये सामने स्टेशन आ गया, तभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह जाते हैं स्टेशन पे, कोशिश करेंगे इधर उधर घूमने टहलने।
नाजरीन, ये देखिए सामने, ये सामने मेट्रो बस जो पाकिस्तान में वहाँ पे जंगले के अंदर चलती है, यहाँ पे ये जंगले के बाहर चल रही हैं और सड़कें वही हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चिंगची रिक्शे ये वो चीज़ें वो नहीं है, लेकिन वो चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ती है ना। फिर तो ये यहाँ पर भी हैं, बाकी स्टेशन पे आ गए हैं। खूबसूरत साफ़ सुथरा एरिया है, हवा बड़ी प्यारी चल रही है। थोड़ी देर यहाँ पर थोड़ी हम लोग को राहत मिली है गर्मी से, बिल्कुल इतनी गर्मी है कि हम लोग पसीने से भीग गए। थोड़ी देर यहाँ पे चहलकदमी करते हैं, टहलते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। सुकून मिला इस जगह पे, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, वाकई सुकून मिला। हवा बड़ी प्यारी चल रही है। चलो आ जाओ, हाँ विजय मास्क पहन लिया भाई। इस तरफ से आ जाओ। चलें जी, मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन हम मेट्रो पे ट्रैवल नहीं कर रहे सर, ये प्रोग्राम बदल गया है। विजय कह रहा है कि पहले हम आगरा की तरफ चलेंगे, तो थोड़ा हाँ जी आगरा की तरफ चलेंगे और भर दुबई और ये डेरा के पास का जो इलाका है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे विजय के साथ। तो ये प्रोग्राम में तब्दीली आई है, अभी वापस नहीं मैं जा रहा, अभी थोड़ा और घूमेंगे यहाँ पे हम, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे। ये सामने है जी स्टेशन, इसको हमने करना है क्रॉस। चल क्या गर्मी बहुत है, गर्मी कितनी है सारी। नहीं एक बार तो ठंडे हो गए हैं, बाद की गर्मी का बाद में देखेंगे। राहत मिला जी, जी बड़ी राहत मिली है, थोड़ी राहत मिली है, पूरा राहत फतेह अली खान मिल गया। खराब हो जाती है गर्मी बाहर। चलो जी, ट्रेन पे सवार होने की बजाय हम लोगों ने स्टेशन कर लिया है पार्क, और स्टेशन से निकल आए हैं बाहर। खुल हो जाए। ये अभी हम आगरा की तरफ जाने वाले हैं। क्यों विजय, अभी मास्क उतार दे, अभी तो मसला कोई नहीं है। नहीं कुछ बाहर है, लेकिन थोड़ा एहतियात बरतना पड़ेगा हम लोगों की पुलिस। अच्छा अभी इसमें ना चलिए, विजय कह रहा है कि मैं यहाँ की गली गली से वाकिफ हूँ। मैंने तो ठीक है, जिन गलियों से वाकिफ हो ना गलियाँ दिखाओ मुझे आज। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा फिर पूरी आना जाना रोज का आना जाना। अभी कौन से न्यूज़ चैनल के लिए काम किया है? मैं ऐसे ही एक था पब्लिक है, वो लोकल में था, उसके लिए यूपी में था। अच्छा, टेम्परेरी ऐसे था। भोजपुरी में या किसी और लैंग्वेज? नहीं नहीं नहीं, हिंदी लैंग्वेज थी। अच्छा, और उसके बाद में फिर तो वो यार क्यों छोड़ा, बहुत अच्छा काम था उसमें तो था फिर भी, लेकिन अभी ज़्यादा पैसे की चाहत और दुबई की आपको तो मालूम है सारी चीज़ें, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे। ज़्यादा पैसे नहीं है, वो टेम्परेरी बस टाइम, मतलब उसमें जैसे एक आदमी उसमें चाय लेके और ये बस स्टॉप है जी यहाँ के, एयर कंडीशन फुल, और वो सामने डेरा दुबई का एरिया भी नज़र आ रहा है। थोड़ा नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं, हम अभी बर दुबई में लेकिन डेरा दुबई की तरफ जा रहे हैं। ये पहले भी दिखा चुका हूँ मैं, ये है यहाँ के बस स्टॉप, इस साइड जा जाओ विजय। बिल्कुल एयर कंडीशन होते हैं, अंदर से दिखा दें जरा, ये थोड़ा सा ना, ये देखें बसों का इंतजार कर सकते हो। अभी हम पसीने से शराब बोर है, पसीना अपना करेंगे साफ। देखिए अंदर एसी का शोर भी हो गया बंद, और ये देखें पूरे एरिया का मैप भी बना हुआ है, मालूमात अल रहलात।
ये जितने भी यहाँ से जो गाड़ियाँ जाती हैं उनकी रूट्स वगैरह दिखाए गए हैं और ये बस स्टॉप है। जैसे कि हम पैदल जा रहे हैं और गर्मी काफ़ी थी, टेम्परेचर भी बहुत 19 डिग्री के आसपास है, ठंड भी लगे तो बाहर हम लोग की कितनी गर्मी थी जी जी और यहाँ हमको बड़ा सुकून मिला थी। यहाँ पे सुकून मिल रहा है, एक बार फिर से राहत फतेह अली खान मिल गया यहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, ये भी हम पहुंच चुके हैं जी दुबई, ये मीना बाजार, दुबई म्यूजियम के पास। ये भी मीना बाजार का एरिया, ये मीना बाजार पे लगते, ये मान के चलिए मीना बाजार ही है, ये हमरा साइड पे आ गया। ये अलहमरिया, ये अलग से एरिया है, यहाँ के वैसे से गली का नाम है। यहाँ पे रूरल स्पोर्ट भी है, सामने वो बोर्ड भी दिख रहा है अलसूक, ये पुरानी मार्केट थी, आगे जाके आपको पुरानी लगे, हम लोग सीधा चल के अभी उन्होंने नया बना दिया है आगरा की इस तरफ, अभी नया 2-3 साल पहले 4 साल चले चलते हैं, काफ़ी हो गया। बिल्कुल, सीधा जाएंगे तो इधर से तो है ना, अभी नया इस तरफ जो बना है आगरा की इस तरफ जो है अभी नया वाला सब बना है ना पूरा, वहाँ से लेके ये सूप क्या बोलते हैं उसके वाले, आप इधर से ऐसे जाते चले, हाँ चले उसी तरफ से उस चले अच्छा। बाहर वैसे खड़े हो तो मौसम ठीक है, वो चलने में थोड़ा पसीना आता है, थोड़ी गर्मी लगती है। ये देखिए, ये पुरानी चीज़ें जो सहेज के उन्होंने पुरानी जो हिस्ट्री मतलब ये उनको दिखाया है यहाँ पे, पूरा अरेबियन टी मतलब यहाँ पे आप जाओगे ना तो जैसे 100 साल पहले सऊदी अरेबिया में यहाँ पे जो होता था ना वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो दुबई म्यूजियम है, वहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पहले, काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन काफ़ी सालों के बाद आया हूँ वापस। और ये अच्छा म्यूजियम इस तरफ है, हाँ म्यूजियम यहाँ से सीधा जाएंगे रवांडा बोर्ड पर। ये सामने क्या चीज़ है, अरेबियन क्या, ये चीज़ें दिखाई गई हैं इसमें। अच्छा, मतलब जैसे यहाँ की हिस्ट्री 100 साल पहले, मजलिस गैलरी है शायद, ये गैलरी है, सही लिखा है। ये वैसे देखने वाली चीज़ें हैं, टाइम निकाल के आना पड़ेगा इनके लिए। चले वो आपको देखो एक बोट दिखेगा पहले का, देखो घर आ जाइए। अच्छा, उस तरफ बोट दिख रहा है, क्या चीज़ है वहाँ? सन सिटी के सामने ही वो म्यूजियम बगल में है, वो बोट आपको दिखेगा, वहाँ पे पुरानी बोट रखी हुई है उसे म्यूजियम के बिल्कुल बगल में। मतलब इस एरिया में कुछ तारीखी पुरानी इमारतें हैं, जैसा ये सामने लिखा हुआ है, हई अल फहीदी अल तारीखी हिस्टोरिकल नेबरहुड है ये है सामने, ये कोई मतम है, कोई पुराना होटल है, कोई रेस्टोरेंट आप सामने दिख रहा है, वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें दिख रही हैं, लोकल हाउस रेस्टोरेंट। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ये एरिया, पुरानी इमारतें हैं, नई इमारतें भी हैं और खूबसूरत रोड्स हैं ये वाले। यहाँ पर ये जितनी पुरानी इमारतें हैं इनके लिए कभी टाइम निकाल के आएंगे, उनको देखेंगे। आज तो वैसी थोड़ी गेड़ी शेड़ी इमारतें हैं, और ये स्क्वायर है सामने ये बड़ा खूबसूरत है। तो उसका मतलब ये हो जाता है कि हम लोग यूपी से हैं, यूपी से हैं, बिल्कुल है, इसीलिए आपकी उर्दू ज़्यादा अच्छी। हमारा लखनऊ में नवाबों का शहर है तो वहाँ से हम लोग हैं, तो थोड़ा हमको जो है उर्दू बोलना भी आता है जी जी, और हमारे जो है हिंदी मतलब मिक्स करके हम लोग बोलते हैं। मेरे से तो बहुत अच्छी है यार, मेरे से तो बहुत अच्छी है। यहाँ पुलिस की गड्डी गुजर गई है पास से, और इस तरफ जाएँ चलेंगे, गाड़ी देख के ज़रा गाड़ी देख के चलिए। यहाँ से फ़ोटो निकाला था पहले जो ये है ना, ये यहाँ पे मैंने कई फ़ोटो निकाले हैं पहले, बहुत पहले। अच्छा, अब यहाँ से एक्चुअली फ्राइडे तो है लेकिन छुट्टियाँ नहीं है लोगों की, तो नहीं तो फिर क्या है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये मैं 4 साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ, ये सामने जी आ गया वो पहले ये नहीं था, पहले ये एरिया मैं आपको बता दूँ, पहले ये कुछ भी नहीं था, ये कोई चीज़ भी नहीं थी। अब ये नई इन्होंने बनाई है पूरा, ये पहले हम लोग इसी की इज्जत करके, अभी तो हम लोग जब बाहर से आते हैं तो इस तरफ से अंदर होके हम चले जाते हैं, ये तो पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। सही सही, और ये सारी चीज़ उन्होंने अभी बनाई हुई। ये सामने डेरा क्रीक है ना, ये तो हाँ, वो ये डेरा इस तरफ का दुबई का एरिया लगता है, उस तरफ डेरा का एरिया लगता है। चलें अब रहे चल रहे हैं उसके अंदर, और चलते हैं जाके दिखाते हैं पुरानी इमारतें इस तरफ रह गई। ये पुराना दुबई है असल में, ये तो गड़ी छड़ी मारते हैं, देखें आगे भी वहाँ पे लालटेन वगैरह लगी हुई हैं और पुराने तरह की इमारतें बनी हुई है। तो ऐसी ऐसी बिल्डिंग हम तो अच्छा है, ये सिग्मा, ये मट्टी नहीं है, लेकिन दूर से देखने में लगता है कि जैसे मट्टी की दीवार है, लेकिन मट्टी नहीं है, सिग्मा हुआ भाई। ये पहले ज़माने में लोग मिट्टियों से ही बनाते, मिट्टी से बनाते थे, लेकिन अभी लुक दी हुई है, लुक दिए नहीं जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। द फैशन हाउस, ये मेरा ख्याल है पुराना जो बाज़ार है, इस तो नहीं शुरू हो रहा पुराना बाज़ार जो,
नहीं, इस तरफ तो अभी अभी तो हो गया धीरे धीरे, पर उस तरफ चले। आज हम बाज़ार पे वीडियो नहीं बना रहे, हम वैसे ही चलते हैं, गेड़ी मार के आते हैं, ठीक हो गया। ये वैसे पुरानी इमारतें, पुराना बाज़ार, ऊपर खगे भी लगे हुए हैं सामने, खगे समझते हैं नहीं जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग से करेंगे कभी। इस तरफ चलते हैं हम, और ये सामने आ गया जी डेरा क्रीक, उसके अंदर कश्तियाँ चलती हुई नज़र आ रही हैं इधर से उधर। जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे इसकी राइड ली थी तो एक दरहम इसकी टिकट थी, आज हमने जाना तो नहीं है सर पार, एक ही दरहम है। अरे ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें, यानी महंगाई जो है उसने इसके ऊपर असर नहीं किया। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये सब इन्होंने अभी नया बनाया है, जब मैं यहाँ पर जॉब कर रहा था तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी थी बनाने के लिए जी। आज भी बन के अभी तो रेडी हो गया सर। सही। और इस तरफ ये देखिए वो सामने वाला एरिया जो है। अच्छा जी, कस्टमर सर्विस, यहाँ से टिकट मिलती है, है? उनके अंदर जाने के लिए होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, ये अंदर पूरा बाज़ार ही है जी पुराना, ये वाला पुराना सर्दियों के पहले 100-200 साल के पहले जो भी हुआ करते थे मार्केट इसी तरह से। यहाँ बनाते हैं तस्वीरें, बस 2 मिनट ठहर जाओ तुम, एक बार हम इधर आ जाएं और आप ये देखें ज़रा। अरे पानी के अंदर कचरा मचरा था, यहाँ भी फेंका है थोड़ा बहुत, ये कचरा हमारे लोगों ने फेंका होगा जी। वो कश्तियाँ जा रही हैं जी, एक दरम टिकट है अभी। वो जो सिग्नल दिख रहा है आपको वो जी तरफ, हाँ जी, वो ओल्ड सूख है। सही, डेरा का ओल्ड सूख वो है जिसकी तुम बात कर रहे थे। हाँ, और बिल्कुल उसके ठीक सामने इधर आगरा की तरफ ये दुबई का ओल्ड सूख है, इस तरफ जहाँ पे मस्जिद है और मंदिर भी है, गुरुद्वारे वगैरह भी हैं। सही। और टूरिस्टों के लिए बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और उस तरफ आप चलेंगे तो डेरा में चलेंगे, देखिए सारे बैंक हैं यहाँ पे जी, ये सारे बैंक हैं। और यहाँ से दो जगह से, एक उस तरफ से जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कश्ती जाती है उस तरफ, और एक इस तरफ से। मेरा ख्याल है कि दुबई के अंदर जो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन है पानी के किनारे पे है। हाँ। उसका आइडिया शायद यहीं से उन लोगों ने लिया था कि, और वो फ्लोटिंग ब्रिज, ये जाके सीधा सामने फ्लोटिंग ब्रिज है। सही, आप देखेंगे तो फ्लोटिंग ब्रिज रात को बंद हो जाती है 11 बजे, क्योंकि यहाँ से फिर बड़ी बड़ी सिपें क्रॉस होकर उस तरफ जाती हैं, तो वो जो है बंद कर दिया जाता है उसको रात को 11 बजे के बाद। फिर 2-3 जगह फिर टनल से आने जाना होता है लोगों का देरा की तरफ। सही, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हैं दुबई में देखने के लिए। चलिए ये डेरा क्रीक पे पहुंच गए हम, बर दुबई की तरफ हैं, यहाँ पे थोड़ी वीडियो बनाते हैं, कुछ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, और विजय के साथ आज टाइम गुजार रहे हैं। तो फिर देखिए मछलियाँ जी बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, और ये मछलियाँ अगर ये खा जाएंगी, अगर ये प्लास्टिक तो बोतलें भी हैं, सफाई तो मेरे ख्याल करते ही कोई ना कोई इनकी, मछलियाँ हैं नज़र आ रही हैं छोटी मछली का। खूबसूरत प्यारी तस्वीरें बनाई हैं। अब ये सामने पुरानी इमारत की तरस पे इमारत बनी हुई है, इसके साथ लाइट लालटेन यहाँ पे लगी हुई हैं, तो यहाँ पे तस्वीर बनाना चाह रहे हैं हम। और ये पीछे का मंजर तो क्या ही बात है, सूरज ग़ुरूब हो रहा है डेरा क्रीक उसका, और ये शायद डस्टबिन ही है, कूड़ादान। और ये देखें क्या लिखा हुआ विजय, कलेक्शन बाय हिल्टन लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे पुरानी क्यूरियो कलेक्शन बाय हिल्टन होटल जस्ट, मतलब ये पुरानी, कितनी पुरानी दिख रही है मेरे ख्याल से ये। हाँ जी, बहुत पुरानी होगी, पुरानी दिख रही है। दरवाज़ा देखो, दरवाज़ा जो है उसका भी इसमें कुछ अरबी में भी लिखा, अलबेत रकम अशरा, 10 नंबर घर का बताया हुआ है। ये कैसर भाई, ये जजला लिखा हुआ, जजला अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में लिखा हुआ है, ये तो थोड़ा जजला जजला लिखा हुआ है, फकत, यानी कि सिर्फ तो आती है होटल गेस्ट ओनली। हाँ, उस लिखा हुआ जो होटल के गेस्ट है ना वो सिर्फ इस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं। मुझे भी पूरे उर्दू आती है, विजय को उर्दू आती है, ये देखो
ये पुराना लोटा पड़ा हुआ, बहुत बड़ा सुराही है, सॉरी सुराही है, मजाक ये बहुत पुरानी चीजें हैं मेरे ख्याल से 200 साल पहले अरबी लोग इसको यूज किया करते थे, ये सारी चीजें, ये सुराही टाइप है, ये कड़ाही है और ये रस्सी, ये देखिए लिखा है अल्बैत 10 लिखा हुआ है जी, उर्दू में भी अरबी में लिखा, और यहाँ पे भी हमने तस्वीरें बनाई हैं। इस तरफ आ जाओ भी लालटेन की तरफ, ये खग्गे और लकड़ की छत बनी है बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह, और ये हैं जी लालटेन, क्या ही बात है, क्या ही बात है लालटेन, ये देखें और इसमें बल्ब भी लगे हुए हैं, शायद जलते भी, बल्ब भी लगे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में शायद ये जग जाएंगे शाम के टाइम पे। जबरदस्त ये कबूतर भी ऊपर बैठे हुए हैं, अलसी फेरिया है। अच्छा ये देखिए आप, मुझे अब याद आया मैं यहाँ 4 साल पहले आया हुआ, अलसी फेरिया, अलसी, ठीक हो गया, ज़बरदस्त खूबसूरत। अच्छा विजय इधर आ, यहाँ से ना तो नाज़रीन शाम हो रही है और विजय ने मुझे बर दुबई और ये डेरा क्रीक का एरिया काफ़ी सारा घुमाया है, प्लान में नहीं था ये, आए किसी और काम से थे और विजय से मुलाकात हुई, वापस जा रहा था, विजय ने कहा थोड़ा बड़ी अच्छी हवा चली, थोड़ा घूमते फिरते हैं यहाँ पे आगरा की तरफ, घूम लें आगरा की तरफ, तो आगरा की तरफ हम आए हैं, सामने का मंजर आपको दिखाते हैं, देखिए सूरज ग़ुरूब हो रहा है बल्कि हो चुका है, लाइटें जो जगना शुरू हो गई हैं, ये सारे अबरे शबरे और ये बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं, ये छोटी सी पोर्ट बनी हुई है, बोट्स की टनल बनी हुई है, यहाँ पे खड़ी होती हैं और लाइटें, जी जी तो देरा चले जाएंगे, बिल्कुल मुर्शिद बाज़ार वो है और बाकी सारी बहुत सारी मार्केटें हैं, और ये पुरानी जो है अभी आपने देखा वहाँ पे जो पहले के लोग अरबी लोग कैसे रहते थे, उनके रहने का तरीका कैसे था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सहज कर रखी गई हैं, बिल्कुल लालटेन वगैरह हैं, देखो उनकी सुराहियाँ वगैरह हैं खाने के लिए, और थोड़ी देर में हम वहाँ पर जाएंगे, अभी लालटेन जो हैं वो जग गई हैं, उनको जला दी हैं उन्होंने, तो उनके साथ फ़ोटो भी बनाते हैं और आपको नज़दीक से दिखाते हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं वो। अभी जो इधर आप इधर, तो मुझे यार बड़ा अच्छा लगा है, बड़ी खुशी हुई है, इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है, 2014 के बाद जो है साल मैंने भी दुबई में तकरीबन 3 साल मतलब 5 साल हो गए होंगे मेरे कुछ भी, जी जी, तो दुबई से सऊदी से निकलने के बाद फिर हमारी मुलाकात यहीं हुई है, अभी तो अच्छा लगा जी जी, और हम दोनों लोग फेसबुक के जरिए, यार मुझे एक बारी बात काट रहा हूँ, वो मुर्गी रोड क्रॉस कर रही है, नज़र आ रहा है वो कुकड़ी, एक देसी मुर्गी, हाँ, देसी मुर्गी वो सिग्नल क्रॉस करके गई है, किसकी हो सकती है यहाँ पे, ये मुर्गियाँ हैं यहाँ पे जो है लोग रहते हैं और उनको मारने का कोई ऐसा पकड़ने का वो अच्छा, नहीं है परमिशन, तो ये आप और यहाँ मछलियाँ भी देखिए आप, बहुत सारी मछलियाँ भी देखिए, कितनी मछलियाँ हैं, बहुत सारी हमें नजर आ रही है लेकिन घोपरों में आपको नजर यहाँ से नहीं आएंगी, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं यहाँ पे, पानी साफ ही किया जाता है, और ये देरा है और ये दुबई है। अच्छा विजय मैंने देखा है तुम्हें उर्दू और अरबी तुम्हें पढ़नी आती है, हाँ, ठीक है, ये कहाँ से सीखी तुमने? ये मैंने खुद से सीखी है, मैंने तुमने इसकी बकायदा कोई पढ़ाई की है कहीं से, किसी गुरु से मैंने नहीं करी, मेरे कोई गुरु नहीं थे, अच्छा। बस हम लोग क्लास में हम लोग थोड़ी बहुत ऐसे देख के किताबें वगैरह पढ़ते थे, तो फिर मैं वहाँ से मैंने उर्दू जो है वहाँ से अली बे पे तो जो हुई है उससे सीखा, फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश करी, फिर मैं उर्दू अखबार लेके आता था, फिर मैं सऊदी गया तो वहाँ पे मैंने कोशिश करी अरबी पढ़ने की, फिर तर्जुमे वगैरह करके अभी मैं आप तो देख ही रहे हैं कि मुझे उर्दू किस तरह से पढ़ना है, मैं तो बड़ा मुतासर हुआ हूँ और मैंने पढ़ाई कोई नहीं करी, ये सामने अरबी में लिखा हुआ है, तो अरबी उर्दू रस्म अल-ख़त सेम ही है, तो विजय जो है वो इंग्लिश के साथ साथ अरबी भी पढ़ रहा था, कि अरबी में ऐसा लिखा है, बेहतर अरबी आती है, अरबी बेहतर आती है, जी जी, हालांकि विजय की जो तालीम है वो हिंदी और इंग्लिश में हुई हुई है, ठीक है, मैंने इसके बावजूद संस्कृत भी पढ़ा हुआ है, मेरी तालीम संस्कृत में थी, जबरदस्त, लेकिन उर्दू मैंने ऐसे कोशिश कर करके और इसमें मुझे ऐसे, अच्छा आपने जरा क्वालिफिकेशन भी बता दो जरा, मेरा बीए है, मैंने एमए अपीयर्ड था, मैं यूपी से हूँ और वहाँ से मैंने पूरा किया था, बाकी मेरा मुंबई से है जो है ZCA करियर एकेडमी से मैंने कंप्यूटर का भी कोर्स किया था, जी जी, और बाकी सारी मैंने चीज़ें, विजय जनाब काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा है, बैंक में जॉब कर चुका है और काफ़ी सारी, मैं इसमें बस इसका दिमाग ख़राब है, एक जॉब पे टिकता नहीं है, ये जॉब छोड़ देता है, जॉब नहीं मुझे आगे कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं दुनिया बिल्कुल कब्जे में करने की कोशिश में लग जाता हूँ, इसी वजह से परेशान हो जाता। चलिए चलते हैं आगे, बाकी और उर्दू के लिए तुम्हें 10 में से 12 नंबर मिलते हैं, जितनी अच्छी तुम्हारी उर्दू है ये, बिल्कुल जी नहीं मुझे लगा ऐसे, मैं उर्दू अरबी जो भी लिखा रहता है मुझे इतनी तो मालूम है, पढ़ लिख लेता हूँ और बोल भी लेता। नहीं यार सलाम है यार तुम्हें, वाकई बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें इतनी आती है और बगैर पढ़े तो तुमने पढ़ाई नहीं की, उर्दू की पढ़ाई मैंने नहीं की। चलो जनाब लाइटें भी जग चुकी हैं, ये पुरानी सी इमारतें, पुराना सा बाजार एक बना हुआ है, हमारे पास वक्त नहीं है ज़्यादा, नहीं तो हम लोग पूरा अंदर जाके पूरी चीज़ों का एक बार ये लिखा भी है सामने, द हेरिटेज सूक अल सैफ अल तरासी। चलें यहाँ भी कबूतर बैठते होंगे, ये सकाफ्ती बाज़ार है जी पुराना,
लेकिन दुकानें तो ज़्यादातर बंद ही नज़र आ रही हैं, या दुकानें हैं या वैसे कुछ मकसद है कुछ और है। ये पावर हाउस लग रहा है मुझे, ये पावर हाउस और ये पुरानी चीज़ें थे दुकान, जैसे की तरफ उस तरफ ओल्ड सूख है ना उसी तरह से यहाँ भी अभी नई नई बनाई जा रही हैं धीरे 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 धीरे, पब्लिक अभी इतना यहाँ आते नहीं लोग। चलें जी, विजय को कॉल आ गई इसलिए हम वापस जा रहे हैं, वैसे भी शाम हो गई है, काफ़ी हो गया मेरा ख्याल।